मंच पे मौजूद दिल्ली विमेन कमीशन की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी, मंच पे मौजूद सभी अतिथिगण, मेरे कैबिनेट कुलीग राजकुमार आनंद जी, दिल्ली की मेयर, हमारे एमएलए दिलीप पांडे जी और यहाँ पे आए हुए सभी माननीय अतिथिगण, भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वैसे तो 365 दिन ही महिलाओं के होते हैं, आप किसी भी शादीशुदा पुरुष से पूछ लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक स्पेशल दिन होता है। दिस इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन पावर। और इस हॉल में आने के बाद, अभी तक की पिछले मैं एक घंटे से हूँ, एक घंटे की जितनी भी कार्रवाई देखी, उस कार्रवाई को देखने के बाद लगता है कि इट इज़ अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन पावर। यहाँ पे किस्म किस्म के, कितने किस्म के, भांति भांति के की महिलाओं को, पुरुषों को अवार्ड दिए गए। और तीन इतनी बुजुर्ग महिलाएं थी, एक कहावत है, एज इज मेयरली अ नंबर। वो कहावत कितनी सही है। एक 104 वर्ष की महिलाएं हैं, 106 वर्ष की महिलाएं हैं, और 21 अवार्ड लेके आई हुई हैं। तो हमें लगता है हमने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। उन सबको मैं सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं, उनके हौसले को सलाम करता हूं, और उन सब से प्रेरणा लेनी है और सीखना है उन सब लोगों से। मैं DCW को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से DCW ने, जब से स्वाति मालीवाल जी अध्यक्षा बनी है, उन्होंने ये अवार्ड का सिलसिला चालू किया। पहले एक छोटी शुरुआत थी, अब धीरे धीरे बनते बनते ये एक देश में एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड बन गया है, कि लोग को चाहत होती है कि हमें भी ये अवार्ड मिले। और जिस तरह से चुन चुन के लोगों को लाया गया यहाँ पे अवार्ड देने के लिए, वो भी बहुत काबिले तारीफ है। पूरे देश से लोगों को चुन चुन के, खासकर महिलाओं को चुन चुन के लाया गया। जिन भी लोगों को आज अवार्ड मिले हैं, उन सब लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप खूब फले फूलें, आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें जिंदगी में। इस साल एक दृश्य था जो विमेन पावर को लेके बड़ा मोटिवेटिंग था, और वो था जब हमने दिल्ली की DTC की बसों को महिलाओं को चलाते हुए देखा। वो एक ऐसा, एरिया माना जाता था जहां सोचते थे कि महिलाएं बसें नहीं चला सकती। लेकिन ना, महिलाओं बसें क्या, महिलाएं तो आजकल जहाज चला रही हैं। आज कई लोगों को हमने अवार्ड दिया। तो DTC के अंदर अब आज हमने, जब मैं आया मुझे नहीं पता था कि आज DTC की हमारी जो महिला ड्राइवर्स हैं उनको भी अवार्ड मिलने वाला है। तो 34 महिलाएं टोटल हैं हमारी अभी बस ड्राइवर्स। इस साल से ये प्रोग्राम शुरू किया हम लोगों ने। हम लोग महिलाओं को बसें, हैवी व्हीकल चलाने के लिए फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, और उनका हैवी व्हीकल का लाइसेंस जो है वो बड़ा महंगा होता है, 12,000-15,000 रुपए लगते हैं। वो भी महिलाओं के लिए हम स्पेशली, सरकार फ्री में उनको लाइसेंस बना के देती है। और अभी जब स्टेज पे अवार्ड लेने आई, मैंने एक एक से पूछा, तो दे आर रियली एंजॉयिंग इट, उनको बहुत मजा आ रहा है बस चलाने में। सो ये बहुत अच्छी बात है। बसों के अंदर हमने मार्शल्स लगाए थे महिलाओं की सेफ्टी के लिए। और पिछले दिनों में मैं काफी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि काफी सारी महिलाएं उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, कि किस तरह से पहले बसों में चढ़ना और बसों में सफर करने में वो हिचकिचाया करती थी, क्योंकि कोई लोग उनको तंग करते थे, छेड़ते थे, गलत तरह से टच करते थे। अब वो सिलसिला जैसी कोई करता है तो वो मार्शल की मदद लेती हैं, कोई चोरी होती है छोटी मोटी मार्शल की मदद लेती है। हर बस के अंदर बस मार्शल्स होते हैं,
जो कि मैं खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए या किसी भी अपराध के लिए वहां मौजूद होते हैं। और कई सारे बस मार्शल्स ने इस दौरान महिलाओं की मदद की है, और सोशल मीडिया पे जब मैं पढ़ता हूँ महिलाएं अपने एक्सपीरियंसेस लिखती हैं कि किस तरह से अब दिल्ली की DTC की बसों में सफर करने में उनको सेफ महसूस होता है, तो हमें अच्छा लगता है कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। उसी तरह से बसों के अंदर CCTV कैमरे भी हर बस के अंदर अब लगा दिए गए हैं, और उससे भी महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर अब कोने कोने में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, और पिछले 5 साल के अंदर जितने बड़े स्केल पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं, पहले दिल्ली में हार्डली आपको कहीं CCTV कैमरे मिलते थे, लेकिन अब आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि पूरी दुनिया के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सबसे ज्यादा CCTV कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं, न्यूयॉर्क से भी ज्यादा, टोक्यो से भी ज्यादा, पेरिस से भी ज्यादा, लंदन से भी ज्यादा, पूरी दुनिया में कोई शहर उठा लो, सबसे ज्यादा CCTV कैमरों की नेटवर्क पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क दिल्ली के अंदर है। और इससे भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी महिलाएं असुरक्षित हैं। सारे एफर्ट्स के बावजूद महिलाएं असुरक्षित हैं, और हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पिछले दो दिन के अंदर खास तौर मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कई वीडियोस चल रहे हैं जहाँ होली के दौरान किस तरह से कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की होली का बहाना बना के। मैं समझता हूँ कि अगर हमें महिलाओं को सुरक्षा देनी है या महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना है, तो उसमें DCW का भी काम है, पुलिस का भी काम है, सरकार का भी काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम तो समाज का काम है। जब तक समाज साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक एक एक आदमी इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा कि जो भी सड़क पे महिला चल रही है, जो भी समाज के अंदर महिला है, उनकी सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी है, तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। हम सबको इसे अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। पर पता नहीं क्यों हमारे शहरों के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि हम सड़क पे चलते हैं, कुछ हो रहा है, मेरे को क्या, और हम निकल जाते हैं। और सबसे बड़ा केस हुआ था निर्भया का, जब उसको बस से नीचे फेंका गया और वो काफी देर तक वहां पे नग्न अवस्था में पड़ी रही और लोग अपना वहां पे जाते रहे और किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो अगर कुछ हो रहा है, ये वीडियोस भी मैं देख रहा था, जब पिछले दो तीन दिन में वीडियोस आए हैं होली के अवसर पे जब लड़कियों के साथ बदतमीजी की जा रही है, मैं देख रहा था कि आसपास लोग खड़े हैं और लोग हंस रहे हैं, ये क्या है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जब तक हम हर व्यक्ति, शहर में रहने वाला हर व्यक्ति जब तक इसमें आगे बढ़ के हिस्सा नहीं लेगा, जब तक हम इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेके, तब तक जितनी मर्जी पुलिस लगा लो, जितने मर्जी कैमरे लगा लो, जितने मर्जी जो मर्जी व्यवस्था कर लो, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। बनाएं महिलाओं को सुरक्षा देनी नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा महसूस करानी है। जब तक महिला सड़क पे खुलेआम जब घूम रही है और वो सुरक्षित महसूस नहीं होगी, तब तक सारे तामझाम का और सारे इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसे हमें जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, समाज की सोच बदलनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। पिछले दिनों एक अच्छी चीज हुई है, पहले गरीब आदमी जो होता था, हमारे समाज की व्यवस्था कुछ ऐसी है, अभी भी घर परिवार में लड़कियों को लड़कों से कम तवज्जो मिलती है। तो अगर किसी घर में दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, और पिताजी के पास पैसे कम हैं, तो लड़के को कोशिश करके प्राइवेट स्कूल में भेजते थे पहले, और लड़की को सरकारी स्कूल में भेजते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल में पैसे नहीं लगते थे, प्राइवेट स्कूल में पैसे लगते थे, उसको पैसे से पढ़ाते थे, इसका चलो पढ़ेगी पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी ना सही। तो ये माहौल था। मुझे बड़ी खुशी है कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट के बराबर हो गए, तो अब महिलाओं को भी लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, बल्कि उल्टा हो गया, अब लड़कों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी में भर्ती करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो अब महिलाओं को दिल्ली के अंदर, बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, और मैं समझता हूँ कि उनका अच्छा भविष्य भी मिलेगा,
एक बार फिर से सभी अवॉर्डीज को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और DCW को फिर से बहुत बहुत बधाई ये शानदार कार्यक्रम करने के लिए। मेरे को बीच में निकलना होगा, मेरी थोड़ी व्यस्तता है, आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।